हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसे हम लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में हम इन्हें अलंकार कहते हैं। आज जो हम लिटरेरी डिवाइस पढ़ेंगे वो सिमिली है, और इसके एग्जाम्पल्स हमने CBSE क्लास 12th के इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स में से लिए हैं। सिमिली सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। दिस लिटरेरी डिवाइस यूजेज वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक और सो। हिंदी में सिमिली को हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा वो अलंकार होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की ऐसी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जो कम से कम किसी एक बात में कॉमन होती हैं या समान होती हैं। इस अलंकार में तुलना करने वाले वर्ड्स, ये वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन का यूज़ होता है। एग्जाम्पल एज, लाइक और सो। पहला एग्जाम्पल हम क्लास 12th के चैप्टर द लास्ट लेसन से लेते हैं, एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। इसमें जब लिटिल फ्रांस एक सुबह देर से स्कूल पहुंचता है तो उसे वहां का माहौल या एनवायरनमेंट संडे मॉर्निंग की तरह शांत महसूस होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक लिटिल फ्लैग्स, लास्ट लेसन चैप्टर में जब उस दिन एम हैमल ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में अलसास फ्रांस फ्रांस अलसास लिखी न्यू नोटबुक्स बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो नोटबुक्स लिटिल फ्रांस को लिटिल फ्लैग जैसी लगती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट चैप्टर से। प्रोमिसेस लाइक माइन, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में अनीस जंग का साहिब आलम के लिए स्कूल बनवाने का प्रॉमिस कुछ वैसा ही था जैसे कि प्राय इन मजबूर लोगों की दुनिया में हर कोई कभी ना कभी कर ही देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, बेफुट घूमने वाले ये रैग पिकर्स ऑथर अनीस जंग को मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते हैं जो सुबह सवेरे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह नजर आते हैं और दोपहर होते ही न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। लाइक सन ऑफ ट्रीज, ऑथर अनीस जंग का कहना है कि आज के यंग बॉयज को उडीपी के न्यू प्रीस्ट के बेटे की तरह शूज पहनने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक द रैग पिकर्स, ऑथर कहती हैं पर उनके नेबरहुड में आज भी रैग पिकर्स जैसे बच्चे मौजूद हैं जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं। इसी चैप्टर में से नेक्स्ट एक्सर्प्ट से एग्जाम्पल है लाइक अ मिराज, अनीस जंग को फिरोजाबाद में रहने वाला मुकेश नाम के बच्चे का मोटर मैकेनिक बनने का सपना एक मिराज या मृग तृष्णा की तरह लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, अनीस जंग को बंगाल कम्युनिटी के यंगस्टर आज भी उतने ही मजबूर लगते हैं जितने कि कभी उनके पिता थे। अब कुछ एग्जाम्पल रैट ट्रैप चैप्टर से। फर्स्ट एज द रैट ट्रैप, वेगाबॉन का मानना है कि वर्ल्ड की सारी मटेरियलिस्टिक खुशियां इंसान के लिए कुछ नहीं बस एक रैट ट्रैप ही है, और जैसे ही वो टेम्पटेशन में आकर उन खुशियों रूपी बेट को पाने की कोशिश करता है तो वो रैट ट्रैप उस पर बंद हो जाता है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन, जब वेगाबॉन क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर या 30 क्रोनर चुरा जंगल के रास्ते भटक जाता है तो उसे वो जंगल एक अभेद्य या इनपेनिट्रेबल प्रिजन की तरह लगता है। मनी पाउच एज अ बेट, वेगाबॉन का एडला विल्मिनसन को लिखी चिट्ठी में एडमिट करना कि रोड साइड स्टैंड पर रहने वाले क्रॉफ्टर का विंडो फ्रेम के पास मनी पाउच को लटकाना मुझ जैसे पुअर वॉन्डरर के लिए एक चारे या बेट के समान ही तो था। नेक्स्ट एग्जाम्पल एज इफ आई वॉज द रियल कैप्टन, रैट ट्रैप लेसन में लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स में वेगाबॉन्ड का लेटर में एडला से कहना कि आपने पूरे दिन मुझे एक रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया है और बदले में मैं भी एक असली कैप्टन की तरह बनना चाहता हूँ ताकि आपको मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी ना हो। अब कुछ एग्जाम्पल इंडिगो चैप्टर से। एज अ पुअर यो मैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स राजकुमार शुक्ला को एक गरीब आदमी या फार्मर के रूप में ही जानते थे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक एनी अदर पीजेंट। पहली मुलाकात में गांधी को राजकुमार शुक्ला भारत की किसी भी अन्य किसान की तरह लगे जो बेहद गरीब व दुर्बल थे। अब कुछ एग्जाम्पल विस्टा चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट अगली एज अ डेविल। डेरी का मिस्टर लैम से कहना कि उन्हें उसका चेहरा डेविल के समान लगता है पर वो उसे कह नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट सिमिली का एग्जाम्पल है दे डू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। मिस्टर लैम का डेरी को समझाना कि उसकी दुनिया से नफरत करने वाली सोच या पेसिमिस्टिक आउटलुक उसे एसिड से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। अब कुछ एग्जाम्पल द थर्ड लेवल चैप्टर से लाइक ट्रीज लाइक रूट्स। थर्ड लेवल चैप्टर में चार्ली को न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ता हुआ लगता है जो रूट्स और न्यू ब्रांचेस की तरह कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस बाहर निकाल रहा है। अब कुछ एग्जाम्पल्स एनिमी चैप्टर से लाइक अ फाउल। डॉक्टर सदाओ को बीच पर घायल पड़ा प्रिजनर ऑफ वॉर चिकन या फाउल की तरह हल्का महसूस होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स। हाना को प्रिजनर ऑफ वॉर की हालात देखकर महसूस होता है कि उन जैसे लोगों के बारे में न्यूज़पेपर में लिखी गई स्टोरीज कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं जस्ट लाइक अफवाहों की झिलमिलाहट की तरह। झिलमिलाहट यानी फ्लिकर्स। अब कुछ एग्जाम्पल पोइट्री से लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पोइट्री माय मदर एट 66 का फर्स्ट एग्जाम्पल है एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स। पोइट कमला दास को कार में बगल की सीट पर बैठी नींद की झपकी लेती हुई उनकी बूढ़ी माँ एक डेड बॉडी की तरह लगती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पेल एज अ लेट विंटर्स मून। पोइट कमला दास का कहना है कि उनकी बूढ़ी माँ उस लेट विंटर्स मून की तरह हैं जो फॉग या मिस्ट में कभी भी छुप जाता है और डिसअपियर हो जाता है। और उसी तरह पोइट की माँ भी बूढ़ी हो चली हैं और उन्हें उनसे बिछड़ने का डर सता रहा है। होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।